Children, today we will start another method to solve integrals, that is integration by substitution. I will discuss some important questions based on method of substitution so that you can get a clear concept of how to apply method of substitution in your questions. Now, if you have not liked and subscribed my channel, kindly like it and subscribe it. My VA tutorials. Now, first of all, we'll discuss what is meant by integration by substitution. Integration by substitution is one of the prominent method and occupies the basic position in sphere of integration. Okay. Now, the main point is that as the name suggests, one variable is substituted by another variable and thus many functions which cannot be integrated easily are transformed into standard forms. Now we make the following transformation while using the method of substitution. मैं इसको रब कर देती हूँ. नंबर फर्स्ट, व्हेन इंटीग्रैंड इज ऑफ फॉर्म एफ ई एक्स प्लस बी, क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा? वी पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करना आपको आता है. ये क्या बन जाएगा? ए डी एक्स, बी का कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, इज इक्वल टू डी टी. यानी क्या हुआ? डी एक्स के जगह क्या रखाएगा? डी टी बाई ए. फिर दूसरा टाइप हो सकता है, इन इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन माइनस वन एफ एक्स का पावर एन.
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहा। क्या हम करेंगे, पुट कर देंगे x का पावर n इज इक्वल टू t। तो क्या होगा अगर x का पावर n बराबर t है, यानी अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n x का पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। यानी इस क्वेश्चन में x का पावर n माइनस वन डी एक्स जो है वो बन जाएगा क्या, डी टी बाई एन। और इस तरह से बहुत इजीली हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर इन इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू टी। और चौथा में इन इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो सिंपली हमको क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू पुट कर देंगे टी। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ये चारों मेथड या टाइप्स को हम थोड़ा मेमोरी में रखें तो बहुत इजीली हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे। हमको तुरंत पता होगा देखने से ही कि हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि हमारा इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली और सिंपल वे में सॉल्व हो जाए। तो अब मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और आप किसी तरह का भी क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस पे बेस्ड हो तुरंत बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर वन, वन क्या है, हम एक ले लेते हैं, सपोज इंटीग्रेट करना है लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन में आप सोच के बताइए क्या करना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है। तो तुरंत आपको देखेंगे कि हम अगर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पर दिया हुआ है डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, वन बाई एक्स लॉग एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स है। तो यानी क्या हुआ, हमको लॉग एक्स को कुछ अनदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो लिखेंगे, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट किए, वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। तो आई हमारा क्या में रिड्यूस हो गया, आई हो गया हमारा लॉग एक्स के जगह टी यानी टी स्क्वायर, और वन बाई एक्स डी एक्स के जगह हमको क्या रख देना है, डी टी। अब एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यानी टी का पावर टू प्लस वन, ठीक है, बाई टू प्लस वन। यानी क्या हुआ, टी क्या था हमारा, लॉग एक्स का पावर थ्री बाई थ्री, और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमको हर जगह लेना है प्लस सी, वैसे सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटीग्रेट करके हम आंसर लिखते हैं वहां पर सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और आप देखे होंगे कि कितना इजीली ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाए, पढ़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, अब हम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और क्या ले लेते हैं, साइन कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब आप सोचिए क्या करना होगा, अब आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट में कॉस एक्स है, तो सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूशन के लिए वो ब्रैकेट वाला चूज करना चाहिए। अब क्योंकि अगर हम इसको चूज भी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आई ले लेना है, इसको सपोज कर लेना है, डोनेट डिनोट कर लेते हैं,
ताकि कहीं भी हमको इजी हो सॉल्व करना या उसको इंडिकेट करना. ठीक है, अब पुट करेंगे. बताया आपको कैसे सोचेंगे, ब्रैकेट में है. cos x इज इक्वल टू हम t ले लिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्या हो गया, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन. तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt. यानी क्या हो गया, I इक्वल टू हम क्या में रिड्यूस हो गया, ये हो गया साइन x. साइन x मतलब यहाँ साइन x dx यानी माइनस dt लिख देना है. और ये हो गया साइन t. तो ये बन गया साइन t dt. और ये जो माइनस था ये हम आगे कर देते हैं, कांस्टेंट है माइनस वन. अब साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये हो जाएगा क्या माइनस, और ये इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x मतलब माइनस कॉस t. और इसको हम कॉस t का वैल्यू क्या लिए थे, कॉस t. तो ये हमारा हो गया कॉस t इज इक्वल टू कॉस x, ये ब्रैकेट में लिखा आएगा, प्लस c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. देखिए कितना इजीली बन गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट रूट ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स. ठीक है, इसको हमको इंटीग्रेट करना. अब क्या है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ इसमें, ये रूट के अंदर है, हमको इसी को सब्स्टिट्यूशन करना होगा. सबसे पहले आई ले ले, या लेट, सॉरी पुट के जगह लेट ज़्यादा अच्छा रहेगा. लेट आई इज इक्वल टू रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स. हाँ, अब हम पुट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी. सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो. यानी हमको डी एक्स के जगह क्या लिखना है, डी टी बाई ए. हो गया. अब हम वापस आई पे आते हैं. आई क्या में रिड्यूस हो गया, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, यानी क्या हुआ, रूट ओवर टी. रूट ओवर टी का मतलब क्या हो गया, टी का पावर हाफ. और डी एक्स के जगह क्या रखना है, डी टी बाई ए. तो डी टी एक क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बाहर ही कर लेते हैं, वन बाई ए. अब फार्मूला लगाएंगे. ये फार्मूला मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में दे चुके हैं. और अगर आपको याद नहीं है या आपने उस वीडियो को फर्स्ट, मेरा जो लेक्चर था इंटीग्रेशन का, मेथड ऑफ. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स. ठीक है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है. तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसको आई ले लेते हैं. लेट आई इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स. इसमें क्या करेंगे, अब जैसे रूट में है तो हम इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी. सो दैट अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो. यानी डी एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी बाई ए. ठीक है, अब हमारा आई क्या बन गया, आई बन गया रूट ओवर ए एक्स प्लस बी मतलब रूट ओवर टी. रूट ओवर टी का मतलब क्या हुआ, टी का पावर हाफ. और यहाँ डी एक्स, डी एक्स के जगह हमको क्या रखना है, डी टी बाई ए. ए कांस्टेंट था, बाहर कर देते हैं. अब यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देखें, जो कि हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन था इंटीग्रेशन का, मेरा फर्स्ट लेक्चर. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप काइंडली उसको देख लें. तो ये सब फॉर्मूला पे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी. तो उसमें हमने बताया था क्या, यहाँ x का पावर n है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, x का पावर n प्लस वन. यहाँ x के जगह t है तो t का पावर हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन. ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन बाई ए टी का पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू. तो ये थ्री ए कर देते हैं या एक बार लिख ही देते हैं, थ्री बाई टू विच इज इक्वल टू टू बाई थ्री ए
टी क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस सी विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब अनदर क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का, एक्स रूट ओवर 1 + 2x² dx है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखकर सोचिए क्या अप्लाई करना होगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा। जब तक हम इसमें आई ले लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू रूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ओवर 1 + 2x² dx। तो मैं बता चुकी हूँ आपको, रूट है तो सबसे अच्छा रहेगा कि इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम कुछ, तो इसको पुट करते हैं 1 + 2x² = t, सो दैट अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x dx = dt। और यहाँ हमारा क्वेश्चन में x dx था, मतलब 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी x dx के जगह हम क्या रख देंगे, dt/4। वापस हम आई पे आते हैं, आई क्या हो गया, रूट ओवर यानी 1 + 2x² यानी t, या रूट ओवर t का मतलब क्या हो गया, t^2, और x dx के जगह हम क्या रखेंगे, dt/4। 4 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ही कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट को बाहर करना है, उसको इंटीग्रेट नहीं करना है। तो अब ये क्या हो गया, फॉर्मूला लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 x^(n+1) / (n+1) फॉर्मूला है, तो टी है तो टी रहेगा यहाँ पे, यानी 1/4 t^3/2 / 3/2, ये कट रहा है तो काट देते हैं, तो ये बन गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो बन गया 3/2 t^3/2। और ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हो जाए तो 2 कट ही गया, 3 ऊपर कहाँ जाएगा, ये 3 × 2, ये हो जाएगा 1/6 t^3/2। अब ये हो गया 1/6, टी क्या था हमारा, टी का वैल्यू रखेंगे 1 + 2x² / 3/2, और प्लस सी जो है, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। और आप देख रहे होंगे कि कितना इजी लग रहा है और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है हम लोगों को इंटीग्रेशन सॉल्व करना। आई होप आप सारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको जब तक रब कर देती हूँ, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ डिनोमिनेटर में है, क्या है, x - √x। अब आप सोचिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ i ले लेते हैं इसको, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/(x - √x). क्या पुट करेंगे, आप सोचिए, यहाँ पर हम x इज जो रूट के अंदर है x, तो x ही को हम ले लेते हैं, तो पुट करते हैं x = t² ताकि रूट हट जाए, तो क्या हमारे पास आएगा, सो दैट dx = 2t dt। तो dx का सब्स्टिट्यूशन हमारे पास मिल गया, तो i क्या बन गया, i हो गया dx के जगह 2t dt, 2 बाहर कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा t dt, और नीचे क्या बना, x के जगह t², और ये बन गया क्या, -√x, मतलब t, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया, 2t dt, यहाँ से भी t कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, t - 1, ये t कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, 2 ∫ dt/t - 1। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इंटीग्रेशन में याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप ये अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, सीधे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लगा देंगे, क्यों, कहाँ से आ रहा है ये कॉन्सेप्ट,
इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जा रहा है, dx by x, क्या करते हैं, x का डिफरेंशिएशन ऊपर dx है तो वो हो जाता है क्या, log x। तो इसीलिए उसी पे बेस्ड ये हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 log, और log का जो भी हम लोग लेते हैं उसको हम मॉडुलस में ले लेते हैं, तो ये हो गया t माइनस वन और प्लस c। t का वैल्यू रख देंगे, t क्या था, रूट एक्स, तो यहाँ वैल्यू रख दिए 2 log, ये हो गया रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन होल पावर 1/3 एक्स का पावर 5 dx, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन आप देखिए, हमको लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो है ब्रैकेट में इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले तो i ले लें, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन होल पावर 1/3 एक्स का पावर 5 dx। पुट करेंगे, पुट x का पावर 3 यानी एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी क्यूब। क्यों ऐसा रख रहे हैं, ये पावर 1/3 है, कट जाएगा, इसलिए इस तरह से हम लोग को सोचना है और सब्स्टिट्यूट करना है। सो दैट अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। 3 कट रहा है, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डीएक्स के जगह हमको क्या रखना है, टी स्क्वायर डीटी। यानी आई क्या हो गया, अब आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन यानी टी क्यूब, और टी क्यूब और ये पावर 1/3 है, ठीक है, ये कट जाएगा, और एक्स क्यूब बचा क्योंकि एक्स स्क्वायर डीएक्स तो यूज़ कर लेंगे, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, टी क्यूब प्लस वन, तो यह हम रखेंगे टी क्यूब, एक्स क्यूब के जगह रख देंगे यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ से निकालेंगे, टी क्यूब माइनस वन इधर आके प्लस वन, और ये एक ये तो हम रखे टी क्यूब, और एक टी स्क्वायर बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। तो ये हमारा क्या सिंप्लीफाई होके बचा, ये हो गया हमारे पास ये टी क्यू, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये टी स्क्वायर और ये एक टी जो बचा है बन गया टी क्यू, और ये टी क्यू प्लस वन डी टी। बस अब अंदर कर दीजिए, अब तो कुछ करना नहीं है, 6 प्लस टी क्यू डी टी, अलग अलग कर देते हैं, टी 6 डी टी, और ये हो गया अलग टी क्यूब डी टी। फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला, टी का पावर एन प्लस वन मतलब 7/7, अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस टी का पावर एन प्लस वन मतलब 3/4 और 4। टी का वैल्यू रखेंगे, टी क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन, और ये पावर क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है, क्योंकि t का पावर 7 चाहिए और यहाँ t का पावर 3 है, यानी पावर 7 चाहिए मतलब क्या 7/3 से काटेंगे, ये बचा हमारे पास, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर 7/3/7। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा पावर 4/3/4 प्लस c, वेयर c इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि टी को हम रिप्लेस कर ही चुके हैं। आई होप इसको आप फॉलो किए होंगे, और कहीं पर भी अगर दिक्कत होती है तो काइंडली हमको इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, रब कर देती हूँ अब इसको। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 क्या ले लेते हैं, वो भी कुछ अलग लेते हैं। ये ले लेते हैं डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स का होल पावर एम, ठीक है। और एक्स क्या है, ग्रेटर दैन 0। इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले बताएं हैं आपको, आई ले लीजिए ताकि आपको फिर से कहीं पर भी उसको मेंशन करने में इजी हो जाएगा। ये ले लिए एक्स लॉग एक्स होल पावर एम। क्या पुट करना सही होगा, अब देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स, इसलिए लॉग एक्स को हम रखेंगे। तो लॉग एक्स को हम सब्स्टिट्यूट किए टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स के जगह डी एक्स बाई एक्स के जगह तो यही लिखना है, डी टी लिखना, तो इतना ही पे रहने देते हैं। अब आई क्या बन जाएगा, आई हो गया हमारा डी टी बाई टी का पावर एम। अब इसको हम टी का पावर एम को ऊपर ले जाके माइनस एम लिख देते हैं। अब एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दिए, टी का पावर माइनस एम प्लस वन बाई माइनस एम प्लस वन। टी का वैल्यू क्या था, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का पावर माइनस एम प्लस वन बाई माइनस एम प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ई वाला क्वेश्चन लेते हैं, ई का पावर 2x प्लस 3 डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, आई ले लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x प्लस 3 डी एक्स, क्या करेंगे पुट, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, 2dx इज इक्वल टू डी टी, यानी dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2। इसीलिए i क्या हो जाएगा, i हो गया हमारा e का पावर क्या हो जाएगा, t, और हमको क्या रखना है, dx के जगह डी टी बाई 2, तो बाई 2 को हम बाहर कर देते हैं, यानी क्या हो गया, 1 बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है e का पावर t प्लस सी, और t का वैल्यू रख देते हैं, t क्या था, 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, इसको भी रब कर देती हूँ, आप लिख ही चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ये लेते हैं थोड़ा और अलग, ई का पावर ले लिए टैन इनवर्स एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या ले लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। फिर इसको आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू ई का पावर टैन इनवर्स एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूट जो करना है, ऑब्वियस है, टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमको दिख रहा है डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम पुट करेंगे टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, यानी क्या हो गया, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, यानी आई क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर टी प्लस सी, टी क्या था, टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सल्यूशन, कितना इजी लग रहा है ये सब। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, अब ई का क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा दे रही हूँ, हर तरह का ई का क्वेश्चंस आपको इसी तरह का ऑलवेज आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ई वाला ही है, ई का पावर 2x
minus 1 by e का पावर 2x प्लस 1। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा अलग है। इसमें हमको सोचना होगा कि क्या करें कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए, क्योंकि कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने पे ये माइनस वन फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। उसके पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं, आई ले लेते हैं इसको, ई का पावर 2x माइनस 1 बाय ई का पावर 2x प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई का पावर माइनस 6। अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा, ये हमारा आई क्या बन गया, ई का पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार करके दिखा देते हैं, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, इसको अंदर करेंगे तो क्या होगा, ई का पावर एक्स आ गया माइनस ई का पावर माइनस एक्स आ गया, और नीचे क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। अब देखिए बहुत ही आसान लग रहा है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ, क्यों, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन हम ऊपर देख रहे हैं, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड मैं इसमें बता रही हूँ, तो मैं इसको सपोज करूँगी, पुट करूँगी क्या, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस e का पावर माइनस एक्स, यानी आई हमारा आंसर में क्या हो गया, ये हो गया डी टी बाई टी, यानी log ऑफ मोटी, यानी क्या हो गया, लॉग ऑफ टी क्या था, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी आंसर। ठीक है, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं, ई वाला ही। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x बाय e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x dx। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे, उसके पहले इसको i लिख देते हैं, लेट आई इज इक्वल टू ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x बाय ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x dx। सपोज कर लेंगे ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी, सो दैट इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 e का पावर 2x और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है माइनस 2, यानी 2 तो कॉमन ले लिए, यानी माइनस e का पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जो 2 है ये हम यहाँ नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया हमारा क्या डी टी, ये जो न्यूमरेटर में है डी टी, और डिनोमिनेटर वाला क्या बन गया, ये माने हैं जो टी, यानी हाफ नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, या फिर हम ऐसे भी जानते हैं ये डी एक्स बाई एक्स क्या होता है लॉग एक्स, यानी लॉग टी, टी का वैल्यू रख देंगे, टी क्या है ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x प्लस सी आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उसको हमको मेंशन करें। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब हम ब्रैकेट वाला हम बताए हुए हैं कि आप सपोज कर लीजिएगा, तो यहाँ पर i ले लिए इसको, लेट i इज इक्वल टू sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ठीक है। पुट करेंगे, पुट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी, सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, माइनस 4dx इज इक्वल टू dt, यानी dx के जगह हम क्या रखेंगे, माइनस dt बाई 4, यानी i क्या हो जाएगा, माइनस 1/4, ये हो गया sec स्क्वायर टी dt। ये किसका है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद है, ये होता है tan t, ठीक है, प्लस सी, टी का वैल्यू रख देते हैं, tan t क्या था, 7 माइनस 4x प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इसको आप कॉपी करते चले जाएं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2cos x माइनस 3sin x बाय 6cos x प्लस 4sin x dx, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ये नीचे हम ले रहे हैं 3cos x प्लस 2sin x, 2 कॉमन लेने के बाद, तो वो क्या हो रहा है, ऊपर वाला उसका डिफ्रेंशिएशन हो जा रहा है, तो उसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो i ले ही लेते हैं, i इज इक्वल टू 2cos x माइनस 3sin x बाई, और यहाँ से 2 कॉमन लेते जाते हैं, ये 2 हो गया, 3cos x प्लस 2sin x dx। अब इसको पुट करना है, पुट कर देंगे, पुट 3cos x प्लस 2sin x इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट किए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस 3sin x, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो cos x, ये dx क्या ले लिए हम, dt, ये ऊपर में है, ये देख लीजिए, बस i निकल गया हमारा, i क्या हो गया, 1/2, ठीक है, ये जो 2 है उसको हम बाहर कर रहे हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, ठीक है, इसको t ले लिए, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो पूरा ऊपर आया हुआ वो dt है, ये क्या हो गया, log of t, log ऑफ t का वैल्यू रखेंगे, log ऑफ t क्या हो गया, t जो ये लिए हैं इसको लिखेंगे, 3cos x प्लस 2sin x प्लस c, वेयर c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ cos√x बाय √x dx, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, अब एकदम देखने से पता चल रहा है हमको √x इज इक्वल टू t रख देना है, बस फट से वो हो जाएगा सॉल्व, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos√x बाय √x dx, ये क्या हो गया, पुट करेंगे, पुट √x इज इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट किए क्या हो जाएगा,
1 by 2 root x dx is equal to dt. और ये क्या हो गया, ये हमारा dx by root x के जगह dt 2dt रखा जाएगा, यानी dx by root x is equal to 2dt. Therefore, I क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos root x यानी cos t, ठीक है, dt. और यहाँ जो by root x है ये हमारा dx by root x 2dt हो रहा है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, हम बाहर कर देते हैं. आप चाहें तो अंदर के बाद बाहर करें. cos का डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे sin, सॉरी cos का इंटीग्रेशन लिख देंगे sin, तो ये हो जाएगा 2 sin t प्लस c, और t का वैल्यू रखाएगा, t क्या था, रूट एक्स प्लस c. ये हमारा सल्यूशन हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. आप इसको भी नोट कर लें और देख लें कि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, सब ट्रिग्नोमेट्रिक ही अब उठा रहे हैं ताकि आपको उसका भी प्रैक्टिस हो जाए. क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या है, यहाँ पे 15 है 1/1 प्लस cot x, डिनोमिनेटर में है, ठीक है. अब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करें, कुछ भी नहीं ऊपर में और cot है जिसका हम इंटीग्रेशन पता भी नहीं है इसमें डायरेक्ट, तो फिर हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं समझ में आए sin और cos कर दीजिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम इसको i ले लेते हैं. लेट i इज इक्वल टू dx by 1 प्लस cot x. अब हम इसको ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा sin y cos में, तो dx by 1 प्लस ये हो जाएगा cos x by sin x, ये sin ऊपर का जाएगा तो sin x dx, और नीचे LCM ले रहे हैं तो हो जा रहा है sin x plus cos x, ठीक है. अब फिर भी हम देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन कुछ ऊपर नहीं हो रहा है, सच कुछ आ नहीं रहा, ऊपर फंसा ही रह जाएगा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन में हम कुछ ऐड करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. तो नीचे के फॉर्म में, तो नीचे क्या है, प्लस cos x है तो हम एक प्लस cos x ऐड कर देते हैं, और क्या करते हैं फिर एक और ले लेते हैं sin x, और इसमें ये cos x जो ऐड किए उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि कट जाए, तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन ये 2 sin x बन रहा है, तो 2 बन रहा है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, हो गया. और ये जो डिनोमिनेटर में पहले से था sin x plus cos x, ठीक है, ये हो गया. अब हम इसको क्या करेंगे, 1/2, ये क्या हो जाएगा, इतना बाई इतना कट जाएगा, 1 हो गया, और ये बच गया इतना बाई इतना, यानी sin x माइनस cos x बाय sin x प्लस cos x, हाँ इतना dx. अब हम क्या देख रहे हैं, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो जा रहा है, sin का ये cos और cos का माइनस sin, लेकिन यहाँ पर sin का प्रॉब्लम आ रहा है, तो sin का प्रॉब्लम है तो ये माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे, बस यही करना है. तो ये हो गया 1/2, ये हो गया अलग से कर लिए माइनस, तो अब इंटीग्रेशन का साइन भी अंदर करते जा रहे हैं, दो दो स्टेप एक साथ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो ये dx हो गया, और ये जो माइनस को हम साइन को बाहर किए तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा, cos x पहले आ जाएगा, cos x माइनस sin x by sin x plus cos x, इतना dx, ठीक है, फॉलो किए कि इसमें हम आगे में माइनस निकाले हैं और ये ऐसा किए तो ताकि नीचे का हमको डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल जाए, बस इसीलिए. तो इसका अब हमारे पास आंसर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है dx का x,
और उसका नीचे log ऑफ डिनोमिनेटर हो गया, क्योंकि हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो आप इसको सपोज करके दिखा सकते हैं, उसको t ले लेंगे, उसके बाद दिखा देंगे उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, log ऑफ डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, वे सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखते हैं। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी सब्स्टिट्यूशन ही है इसीलिए हम इसमें डाले हैं, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक डालेंगे जिसमें फॉर्मूला है नेक्स्ट वीडियो मेरा, लेकिन इसमें ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन रहा है इसीलिए इसमें डाला हुआ है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन वही काम है। इसको हम आई ले लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू रूट ओवर, क्या हो जाएगा ये, हम ऐसा करें ये टैन है, ये साइन है, ये कॉस है, तो सबको हम साइन और कॉस में कर देते हैं। हाँ, या दूसरा हम एक मेथड कर सकते हैं कि हम इसको टैन में कर दें, साइन कॉस में नहीं करके हम यही सबको टैन में कर दें, लेकिन पहले हम आई को ले लेते हैं जो है गिवन, आई जो गिवन है उसको हम एक स्टेप लिख लेते हैं और अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टैन में करना है, मतलब साइन बाय कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर टैन एक्स, साइन बाय कॉस कर दी, इसमें हम कॉस से डिवाइड किए तो ये बन जाएगा क्या, टैन एक्स। हाँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर भी कर दिए तो ये हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि जिस भी चीज से हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो उतना से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप इस तरह से समझें, इसको एक स्टेप हम आपके लिए लिख देते हैं कि हम क्या की है। यहाँ पर जैसे ये साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स बाई यहाँ कॉस एक्स की है। हाँ, और ये जो कॉस एक्स एक पहले से था और एक ये जो कॉस एक्स हम ये किए, तो इसका वैल्यू चेंज ना हो इसको हम इस तरह से लिख दिए। तो फायदा क्या हुआ, ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया और ये है रूट टैन एक्स बन जाएगा, कट जाएगा रूट टैन एक्स इंटू रूट टैन एक्स, तो एक रूट टैन एक्स कट गया तो बच गया नीचे में क्या, रूट ओवर टैन एक्स। अब पुट कर देते हैं, पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका वैल्यू रख दिए, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख दिए और ये हो गया हमारा रूट टी, ऊपर चला जाएगा टी का पावर माइनस हाफ डी टी, फॉर्मूला लगा देंगे टी का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन यानी माइनस हाफ प्लस हाफ, क्या हो जाएगा हाफ बाई हाफ प्लस सी यानी टू, ये टू पर गया, टी का पावर टी का वैल्यू ही रख देते हैं, टी क्या था टैन एक्स, टैन एक्स का पावर हाफ प्लस सी यानी टू रूट टैन एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया इसका सल्यूशन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, मैं इसको कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 ये है एक्स प्लस वन और ये है एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। हाँ, क्या करना होगा, इसको हम टी ले लेते हैं
इसको x प्लस log x को, तो हमारा सब्सटीट्यूशन बहुत ईजली हो जाएगा. तो सबसे पहले i ले लीजिए. लेट i इज इक्वल टू x प्लस वन x प्लस log x का होल स्क्वायर बाई x डी एक्स. पुट करेंगे x प्लस log x इज इक्वल टू t. इसको कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये x का डिफ्रेंशिएशन 1, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. और इसको हम अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. क्योंकि हम इस तरह से क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1 बाई x था, इसीलिए आपको समझने में इजी हो जाए. तो i बन गया मेरा, ये था t, तो t स्क्वायर डी टी. इतना सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गया, यानी t का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. t था तुम्हारा x प्लस log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c. c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17. अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हमारे दिमाग में था वो हम हर तरह का क्वेश्चन को कोशिश किए हैं कि डाल दें, ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो पाए. क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. एक्स क्यूब साइन टैन इनवर्स एक्स का पावर 4 डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8. क्या करना होगा, इसको आई ले लेना होगा. लेट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन टैन इनवर्स एक्स का पावर 4 डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8. अब जो ब्रैकेट में हम हमेशा बोलते हैं उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे. पुट टैन इनवर्स एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू टी, सो दैट इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x का पावर 4 का स्क्वायर. और इसका x का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. यानी हमारा ये क्या बन गया, ये इम्प्लाई करेगा एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू, नहीं एक्स क्यूब डी एक्स, और नीचे क्या आया, 1 प्लस एक्स का पावर 8. एक्स क्यूब डी एक्स 1 प्लस एक्स का पावर 8, ये हो गया डी टी बाई 4. फट से अब रखा जाएगा उसमें आई में, तो आई हमारा हो गया, ये 1 बाई 4 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये हो गया सिर्फ साइन टी डी टी. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस टी, ठीक है, प्लस सी. और इसका वैल्यू रख देंगे माइनस कॉस टैन इनवर्स एक्स का पावर 4 बाई 4 प्लस सी. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी. अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें. क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये देखिए, 10 एक्स का पावर 9 प्लस 10 का पावर एक्स लॉग 10 बेस ई इतना बाई एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर एक्स डी एक्स. अब ये क्या है, इसको आई ले लेते हैं. लेट I इज इक्वल टू 10 एक्स का पावर 9 प्लस 10 का पावर x log 10 बेस e बाई x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x dx. अब देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, बस कुछ करना नहीं है. पुट x का पावर 10
प्लस 10 का पावर x इज इक्वल टू t. ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी डिफ्रेंशिएट करो 10 x का पावर 9, और इसका क्या होता है, a का पावर x का फॉर्म है, तो a का पावर x log a, ठीक है. ये dx इज इक्वल टू dt, यानी I हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, यानी log t, यानी log x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस c. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19. एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स का, उस पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, dx by sin square x cos square x. इसको आप सोचिए कैसे बनेगा, क्या करना होगा. बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, हाँ, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा कि अब इस तरह का साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, अब हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि यहाँ ना डिफ्रेंशिएशन लग रहा है ना कुछ लग रहा है, तो एक तो साइन टू ए वाला फार्मूला से, उससे बेहतर क्या होगा, पहले तो आई ले लेते हैं हम लोग, इसको आई ले लिए हैं डी एक्स वाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. अब इस सबसे अच्छा क्या रहेगा कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें इस तरह से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पर ऊपर ये लिख सकते हैं और कट जाएगा, ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं. ये क्या आ गया, अलग अलग करें तो यहाँ बचा क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना डी एक्स. अब इसको अलग अलग कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, आता है इसका भी, और ये हम कर देते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स. हो गया, फार्मूला आ गया, फार्मूला आपको याद ही होगा, अब इसका फार्मूला लिखेंगे. ये हो गया टैन एक्स, और ये हो गया क्या माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सी इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कितना इजीली हमारा सारा सॉल्व हो गया, और 20 क्वेश्चंस मैंने इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डाले हैं, ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहे, और इसमें मैंने हर बोर्ड के क्वेश्चंस को नज़र में रख के ये वीडियो को बनाया है. सो काइंडली, अगर आपने मेरा लेक्चर 1 इंटीग्रेशन का नहीं देखा है तो उसको देखें, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पे बेस्ड वीडियो बनाऊंगी. ओके, थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वी ए ट्यूटोरियल एंड प्रेस बेल.